उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 14 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं, जिसमें गंभीर रूप से 9 लोग घायल हैं। आकाशीय बिजली की चपेट में आने के बाद घायलों को जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुटी हुई है। मामला अंबेडकर नगर जिले का है, जहां भारी बरसात के कारण तमाम जगह प्राकृतिक आपदाओं का मंजर देखने को मिल रहा है। अंबेडकर नगर जिले में परिवारजनों की मृत्यु के बाद दशमी का शुद्धिकरण कार्यक्रम चल रहा था, जहां परिवार वालों की मृत्यु के बाद में बाल बनवाने का कार्यक्रम चल रहा था, जिसके लिए लोग इकट्ठा हुए थे। एकाएक आकाशीय बिजली गिरने से 14 लोग उसकी चपेट में आ गए। घायलों को सूचना मिलने पर जिला अस्पताल में प्रशासनिक अमले के द्वारा भर्ती कराया गया। वहीं जब प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा तो पता चला कि मामला संबनपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर छिंगुरपुर गांव का है, जहां गांव के निवासी रामस्वरूप की माता के निधन के बाद में अशुद्धि कार्यक्रम में लोग अपने बाल का मुंडन कराने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में कुल 14 लोग आ गए, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। ऐसे में जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने के बाद में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, वहीं पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला उनके इलाज को और बेहतर कराने में जुटा हुआ है। आज छांगुरपुर मिश्रौलिया, जो कि तहसील टांडा और बस्थारी क्षेत्र में आता है, वहां पर आकाशीय बिजली गिरने की घटना घटित हुई है, जिसके कारण 9 लोग जो है वहां पर जख्मी हो गए थे और उन लोगों को जिला अस्पताल में आपातकालीन विभाग में भी इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया जा रहा है और उन पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और यह घटना लगभग 2 घंटे पहले हुई। क्या था मामला जहाँ पे घटना हुई? वहाँ पर एक किसी का शुद्धि कार्यक्रम चल रहा था, दसवीं का कार्यक्रम चल रहा था, डेथ के उपरांत जो होता है बाल बनाया जा रहा था, उसी कार्यक्रम में सभी गांव के लोग इकट्ठा हुए थे, तो उसी समय अचानक से विद्युत गिरने की घटना घटी थी, जिसमें 9 पहले 11 बताया गया, लेकिन 9 लोग जो है उसमें ज़्यादा उसमें मतलब चोटिल है आ चुके हैं जिला अस्पताल में। सर मौत तो कोई नहीं है? मौत नहीं है इसमें, अभी कोई नहीं है।